गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है सभी को आपका एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक चल रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सेल परचेज ऑफ व्हीकल के बारे में बताया था। मैंने उसका फॉर्मेट भी बता दिया था कि एक व्हीकल को खरीदने बेचने में क्या क्या आपको जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बतानी होती हैं। आज मैं आपको सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूं। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो खरीदने के लिए भी आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और बेचने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी होती हैं। यहां पर मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं दो, उनको ध्यान से आप देखें और समझने की कोशिश करें कि कौन कौन सी डिटेल्स ऐसी होती है जो उसमें हमें मेंशन करनी होती है। तो देखें जरा ध्यान से, यहां पर सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, यू वॉन्ट टू परचेज अ फ्लैट, आप एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं विद थ्री रूम्स इन मालवीय नगर जयपुर, ठीक है। इट शुड प्रेफरेबली ऑन द ग्राउंड फ्लोर, आप प्रायोरिटी में रख रहे हैं कि ये जो फ्लैट है जो आपको परचेज करना है वो कहां पर होना चाहिए, ऑन द ग्राउंड फ्लोर। You can pay up to ₹25 lakh, आप इसके लिए 25 लाख रुपए देने को तैयार हैं। Draft an advertisement, आपको एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना है। Giving details of your requirements, जिसमें आपको जानकारियां देनी है, किसकी, of your requirements, जो आपकी जरूरतें हैं उनकी जानकारियां देते हुए आपको एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना है जो कि आपको न्यूज़पेपर में देकर आना है जो सेकेंड डे पब्लिश हो सके। और आपकी जब रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर जाएंगी तो वो सामने वाला जिसके पास ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने की सभी चीजें मौजूद होंगी वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेगा। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक बॉक्स बना देना है। बॉक्स में अब फ्लैट खरीदना है, परचेज करना है, तो आपको हेडिंग क्या डालना है यहां पर, परचेज, ठीक है। इसके बाद यहां से स्टार्ट करना है, वॉन्टेड, चाहिए, आ ग्राउंड फ्लोर पर चाहिए, क्या, थ्री रूम फ्लैट, तीन कमरों का एक फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर चाहिए, इन गुड कंडीशन, जो अच्छी स्थिति में होना चाहिए, विद पोर्च एंड कार पार्किंग, उसमें पोर्च भी होना चाहिए। पोर्च का मतलब होता है आगे सामने का जो हिस्सा होता है, एक बरामदा जो कह सकते हैं उसको, उस तरीके का एक एकोमोडेशन होता है वो चाहिए आपको। एंड कार पार्किंग, कार रखने के लिए उसमें जगह भी होनी चाहिए, कार पार्किंग फैसिलिटी। शुड बी सिचुएटेड, ये जो फ्लैट हम खरीद रहे हैं वो स्थित होना चाहिए इन पॉश एरिया ऑफ मालवीय नगर, मालवीय नगर का जो सबसे अच्छा जो एरिया है उसमें ये फ्लैट अवेलेबल होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। अप टू ₹25 lakh, जिसके लिए आप कितना दे सकते हैं, 25 लाख रुपए आप दे सकते हैं। कॉन्टेक्ट, जो जिस किसी के पास ये कंप्लीट ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये फुलफिल करने की, जिसके पास भी जगह हो, जिसके पास भी ये सब एकोमोडेशन मौजूद हो, वो क्या कर सकता है, संपर्क कर सकता है, राजीव वर्मा, 137 तिलक नगर जयपुर, ये एड्रेस है जिसकी रिक्वायरमेंट्स ये लिखी हुई है यहाँ पर जयपुर। मोबाइल, ये मैंने यहाँ पर एक्स लगा दिया है और आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यू वॉन्ट टू सेल योर प्लॉट ऑफ लैंड। देखिए, कभी भी किसी प्लॉट का, जैसे कोई प्लॉट होता है तो उसके लिए हम जनरली प्लॉट यूज कर देते हैं, लेकिन वो होता क्या, एग्जैक्टली प्लॉट ऑफ लैंड होता है हमेशा, ठीक है। और से कहते हैं मेरा प्लॉट यहां पर है इस कॉलोनी, मेरा प्लॉट वहां पर है, एग्जैक्टली वो प्लॉट ऑफ लैंड होता है हमेशा, ये ध्यान रखेंगे आप, एक इंपॉर्टेंट चीज है प्लॉट ऑफ लैंड। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना है, गिविंग डिटेल्स ऑफ योर प्लॉट ऑफ लैंड, अपने अपना जो प्लॉट है जो आपको क्या करना है, सेल करना है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो यहां पर देखें जरा किससे संबंधित है, ये रहा देखें, ये देख लीजिए, यहां पर सेल से संबंधित है। तो आपको क्या है, बॉक्स बनाना है नीचे, बॉक्स जब आप बना लोगे तो उसमें हेडिंग क्या हो जाएगा, आपका सेल हो जाएगा, ठीक है। अब जो कोई भी बेचेगा वो अच्छे से अच्छे जो जानकारी जो डिटेल्स होती है वो देने की कोशिश करता है। तो यहां पर देखें जरा, अ प्लॉट ऑफ लैंड,
एक प्लॉट यानी कि जमीन का एक टुकड़ा, अ प्लॉट ऑफ लैंड साइज 30 feet by 60 feet, उसका साइज है 30 by 60 feet, ठीक है। सिचुएटेड ऑन, जो स्थित है 80 feet रोड पर स्थित है। पॉश एरिया ऑफ जवाहरनगर, जो जवाहरनगर का पॉश एरिया है, जवाहरनगर कहां पर है, भरतपुर में। यूआईटी अप्रूव्ड, यूआईटी से अप्रूव्ड है, यानी यूआईटी के अंडर में आता है, इसलिए क्या है वो लोनेबल, जो कोई इसको खरीदेगा उसको लोन भी उस पर मिल जाएगा। ईस्ट फेसिंग, उसका जो मेन गेट आएगा वो कहां पर जाएगा, पूर्व की तरफ, ईस्ट फेसिंग, यानी जब मेन गेट जब बनेगा तो वो जो खुलेगा वो कहां पर खुलेगा, पूर्व की तरफ खुलेगा। प्राइम लोकेशन, लोकेशन एकदम बहुत शानदार है। इज अर्जेंटली फॉर सेल, ये बिक्री के लिए बिल्कुल तुरंत बेचने के लिए इसको हम तैयार है। कॉन्टेक्ट राजीव वर्मा, जो कोई भी खरीदना चाहे, राजीव वर्मा नाम लिख दिया, रिपीट कर दिया मैंने, जो आप चाहे वो मेंशन कर सकते हैं। B60 SPM नगर, भरतपुर। मोबाइल नंबर फिर उसी की तरह आगे यहां पर दे रखा है, ये आप सभी जो भी बातें इसके अंदर आई हैं उनको आप नोट कर लें, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं आप जरा, एक पहला क्या है पार्ट परचेज का, यहां पर आपने क्या लिखा परचेज, दूसरा क्या है सेल, तो यह क्या लिख दिया आपने यहां पर सेल, और यहां पर नीचे आप देख रहे हैं पहले आपने पूरा जानकारी दे दी, उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं यहां पर इज अर्जेंटली फॉर सेल, यानी ये पूरी कंप्लीट उस प्लॉट की जानकारी है, कहां पर है वो प्लॉट, क्या पोजीशन है उसकी, अप्रूव्ड है या अप्रूव्ड नहीं है, लोनेबल है नॉन लोनेबल है, वो सब आपको बता दिया है, यानी जो भी खरीदेगा उसको तुरंत बैंक से लोन मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां होती है जिनमें आप अपनी तरफ से भी, यदि आप चाहें आपकी क्रिएटिविटी होती है, आप अपनी तरफ से भी उनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उनको आप नोट कर लेना, इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने उसको आप तुरंत उसको कंप्लीट करें। अगला टॉपिक है आपका एडवर्टाइजमेंट में एकोमोडेशन, ठीक है। एकोमोडेशन को देखें जरा, एकोमोडेशन यानी कि जो सुविधाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। जो किसी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट जो होती है वो एकोमोडेशन में आती है, कि वो यदि कोई मकान उसको किराए पे चाहिए तो किस तरीके का मकान चाहिए, कितने कमरे चाहिए, वो अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। यहां पर आप देखें जरा कि यदि एकोमोडेशन चाहिए तो किस कैटेगरी में जाएगा, वो टू लेट यानी कि किराए के लिए। तो किराए के लिए यदि किसी को कोई दुकान चाहिए, घर चाहिए या फिर फ्लैट चाहिए, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं वो आपको ध्यान से इसमें समझनी है। तो सबसे पहले आप देखें कि यदि एडवर्टाइजमेंट देना है, मुझे आज किराए की, किराए के मकान की जरूरत है, फ्लैट की जरूरत है, यदि मुझे कोई दुकान लेनी है किराए पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी कि भाई मुझे किस तरीके का चाहिए, क्या 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 मुझे बनाना है उसके अंदर, दुकान भी चाहिए, घर भी चाहिए, कंबाइन चाहिए, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें एडवर्टाइजमेंट देने से पहले हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आप समझे, सबसे पहले मैंने लिख भी दिया है, उसको समझ लें जरा ध्यान से पहले, ठीक है। रिक्वायर्ड डिटेल्स, क्या क्या जो आपकी जरूरतें उसकी जानकारी उसमें देनी होती है। सबसे पहले आप देखें जरा क्या चाहिए, घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, शॉप चाहिए, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कैसा चाहिए, अब आपको उसमें थोड़ी बहुत जानकारी देनी चाहिए, जानकारी देनी पड़ेगी। जानकारी क्या देनी है आपको, वेंटिलेटेड होना चाहिए, टाइल्ड फ्लोर होनी चाहिए उसकी, और सेपरेट ये किचन लेट बाथ, ये सब आपको संक्षिप्त जानकारी देनी होती है। ये सब किसमें आ जाती है, रिक्वायरमेंट्स में, आप क्या आप चाहते हैं उसमें, ठीक है। अब आपकी थर्ड नंबर पे क्या आता है, स्थान, कहां पर चाहिए आपको, लोकेशन जिसको कहते हैं। लोकेशन का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर जगह आप चाहिए हो, जैसे हम कह सकते हैं कि हम यहां रह रहे हैं, तो जैसे सर्कुलर रोड पे चाहिए या किसी कॉलोनी में चाहिए, ये सब उसके अंदर आ जाएगा कि लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। कोई कॉलोनी का नाम आ सकता है उसमें कि मुझे पर्टिकुलर इसी कॉलोनी में चाहिए, कुछ भी आ सकता है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। हमें खुद इन्वेंट करना पड़ेगा, जो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा
उसमें जो भी हमें जानकारी मिलेगी, मैंने क्वेश्चन भी ऊपर लिख रखा है, इसको देखते चले, उधर साइड में मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया, उधर देखें उसको भी। सुविधाएं, सुविधाएं कौन कौन सी चाहिए आपको, ये भी उसमें जरूरी होती है, किराए पर आप लेना चाह रहे हैं तो सुविधाएं कौन कौन सी चाहिए आपको वो उसमें मेंशन कर देनी है आपको। किराएदार की चॉइस, अब यदि आप किराए पे दे रहे हैं तो किराए पर देने के लिए आपके कुछ स्पेशल वो होती है कि भाई ठीक है, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जैसे मुझे तो सर्विस क्लास को देना है किराए के लिए, ठीक है, वेजिटेरियन को देना है, ओनली गर्ल्स को देना है, शादीशुदा को देना है, खुद हस्बैंड वाइफ हो और दो बच्चे हो इससे ज्यादा होंगे तो मैं किराए पर नहीं दूंगा, ये इसमें सवाल आएगा आपका, ठीक है। किराया कितना है, अब यदि जो आप किराए पे दे रहे हैं, जो भी आपके पास एकोमोडेशन है जो आप दे रहे हैं और जो पूरा उसकी जो लोकेशन है उसके हिसाब से आप किराया भी फाइनल करेंगे, किराया भी आपको बताना पड़ेगा, 5,000, 10,000, 7,000, 8,000 जो भी हो वो बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी शामिल है अलग है ये आपको बताना पड़ेगा। एक तरीके से ये मान लीजिए कि हमारा मकान है और हमें किराए पर देना है, और क्या सामने वाले की रिक्वायरमेंट हो सकती है उसके अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। ये आप देखें जरा, कॉन्टेक्ट एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये कॉमन है, सब में देना पड़ता है लास्ट में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप जरा, इसमें बेस जो क्वेश्चन है उसको समझें जरा ध्यान से। यू हैव अ सेट ऑफ टू बेडरूम्स, आपके पास एक मकान है उसमें दो रूम है एंड अ डाइनिंग हॉल, बीच में एक बहुत बड़ा डाइनिंग स्पेस है, उसमें खाने के लिए जो डाइनिंग टेबल लगा देते हैं वो स्पेस उसके अंदर है। यू वॉन्ट टू गिव इट ऑन रेंट, आप इसको किराए पर देना चाहते हैं, टू अ ट्रांसफरेबल फैमिली, लेकिन आपकी इसमें एक शर्त है कि आप किसको देंगे, जो ट्रांसफरेबल फैमिली हो, जिसका 2 साल में 3 साल में ट्रांसफर हो जाए उसको आप देना पसंद करेंगे। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, इसके लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट बना के फॉर द टूलेट कॉलम, किसमें जाना है, टूलेट कॉलम में आपको जाना होगा। गिविंग नेसेसरी डिटेल्स, और उसमें आवश्यक जानकारी जो भी है, जो भी जानकारी है वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर देखें ये क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया होगा आपके, और देख लें आप जरा ढंग से एक बार समझ लें। इसका जो आंसर है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसमें देखें जरा, बॉक्स बनाना है आपको, बॉक्स बना के सबसे पहले आपको ये हेडिंग दे देना है क्योंकि किराए के लिए है तो क्या देना है, टू लेट। इसके अलावा स्टार्टिंग कैसे करनी है कि अवेलेबल, उपलब्ध है, क्या उपलब्ध है, टू बेडरूम्स, दो जो बेडरूम्स हैं उसका एक मकान है वो अवेलेबल है, प्लस डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल उसके अंदर है, डाइनिंग हॉल प्लस डाइनिंग हॉल सेट लोकेटेड एट 61/225 ए प्रताप नगर जयपुर, ये पूरा एड्रेस आ गया कहां पर है, ओनली फॉर ट्रांसफरेबल फैमिली, किसको देंगे आप, केवल ट्रांसफरेबल फैमिली होनी चाहिए। सेपरेट किचन, किचन अलग एंड बाथरूम, बाथरूम अलग है, सेपरेट है दोनों। 24 आवर्स वॉटर सप्लाई, 24 घंटे पानी की सुविधा है वहां पर, एंड कार पार्किंग फैसिलिटी, कार खड़ी करने के लिए पर्याप्त जगह। रेंट ₹7,000, किराया कितना है, 7,000 रुपये किराया है, यहां पर देखें जरा ये किराया लिख दिया मैंने यहां पर, 7,000 रुपये किराया है, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल होना, एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है अलग होना, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का क्या हुआ कि अलग से देना पड़ेगा आपको लाइट का, तो एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली का जो बिल आएगा वो अलग से आपको पे करना है 7,000 रुपये के अलावा जो किराया है। एंड मेंटेनेंस, और जो मेंटेनेंस होगी वो भी आपको अलग से देनी होगी। कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के लिए देखें आप जरा, कॉन्टेक्ट राकेश शर्मा 24/351C, ठीक है, इसको हम एक वो भी लगा सकते हैं, डैश लगा दें आप, सी स्वास मार्ग जयपुर। यहां पर ये आपका टूलेट से संबंधित ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। आगे भी एडवर्टीजमेंट के जो टॉपिक्स है वो आगे भी आपको मिलेंगे।
उससे पहले आप इनको नोट करें और नोट करने के साथ समझते चलें, जिससे मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दूं तो आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। यदि आपको मेरे एकेडमिक वीडियोस अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो इनको आप लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ये टॉपिक्स हैं इनका अच्छी तरीके से फायदा उठा सकें, समझ सकें, जिससे कि आगे एग्जाम्स में उनको दिक्कत नहीं आए। इसके साथ साथ सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि क्या होगा कि जो कोई भी टॉपिक मेरा नया आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।